खरगोन जिले के जिला चिकित्सालय में प्रसव के दौरान एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मामला बुधवार रात्रि को 9 बजे का है, जब ग्राम घोटिया निवासी पूजा पाटीदार को प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। इस दौरान खबर सुनकर पूजा के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं मीडिया से रूबरू परिजन ने यह भी बताया कि समय रहते सीजर कर दिया होता तो नवजात की जिंदगी को बचाया जा सकता था। बहरहाल प्रसव के दौरान बच्चे की मौत के बाद परिजनों के हंगामे ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम कल बड़ोले सर को रिपोर्ट दिखाने गए थे, उनको दिखा तो उन्होंने बोला कि आज सरकारी हॉस्पिटल में इनको एडमिट कर दो, इनका रात भर ट्रीटमेंट चलेगा, जैसी भी इनकी कंडीशन रहेगी, नॉर्मल डिलीवरी होती हो तो नॉर्मल हो जाएगी, नहीं तो फिर अगले दिन सीजर करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ 9 बजे लाए, इनको भर्ती करा, भर्ती करने के बाद इनको जो भी इंजेक्शन दर्द के दिए गए, तो मेरी पत्नी ने मतलब इतना दर्द हुआ कि वो दर्द नहीं सहन कर पाई। ज़्यादा दर्द करने के बाद हम थोड़ा ये हो गए, मतलब घबरा गए थे कि मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो फिर सीजर से निकाल दे बच्चा। तो इसके लिए बड़ोले सर को फ़ोन लगा, यहाँ के स्टाफ को बोला गया कि किसी को भी अर्जेंट में बुलाओ और सीजर करवा। तो बड़ोले सर को लगाने के बाद में यहाँ कोई एक मैडम आई, गुप्ता मैडम होगी, तो वो आई, उन्होंने सीजर के लिए उनको बोला, पर उन्होंने सीजर नहीं करा। वो बोले नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ये सांत्वना देकर हमको पेशेंट को वापसी वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब अंदर यहाँ का स्टाफ मतलब मानो सो रहा है, मतलब कोई पूछने को, फ़ोन लगाने को कोई मजबूर नहीं है। ये सब हमने पूरा, हमारी इसकी लापरवाही हमारी भी हुई, मतलब लापरवाही क्या इनकी बोले, मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है, पंखे चलने नहीं दे रहे हैं, इनको सोने के लिए अगर आवाज़ दो तो इनकी नींद ख़राब हो रही है, मतलब बहुत सिस्टम। पैसों की भी मांग की जाती है, पैसों की क्या, बच्चा जैसे ही डिलीवरी होता है खुश कभी होता है तो वो पैसों की मांग करते ही है। ये पैसों की क्या, बच्चे की मौत हो गई, बच्चे की मौत भी हुई। हाँ, मेरे बच्चे की मौत हो गई। अब वो नॉर्मल डिलीवरी का इन्होंने बोला और बच्चे को शिफ्ट गिरा, तो मेरी पत्नी से दर्द सहन नहीं हुआ, और उसका अगर सीजर हो जाता तो उस टाइम पर कंडीशन में डॉक्टर ने बोला कि बच्चा स्वस्थ है, सही है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और बाद में 2 घंटे बाद बोल दिया कि पानी चले गया, ये हो गया, तो फिर ये इनकी लापरवाही हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावन पाटीदार, ग्राम घोटिया। बहुत तकलीफ उठा रही थी, तो हम ऐसे बोल रहे थे कि हमारी बहुत सी तकलीफ नहीं सह जा रही, तो इसको मेरे को सीजर करवा दो, सीजर करा दो। क्या बोले, हम सीजर नहीं करवा सकते कहीं बिना परेशानी से, तो क्योंकि उसकी तकलीफ इतनी हो रही थी, अपने से दर्द भी देखा जाए, उसको आँखें भी बंद हो गई, मम्मी मेरे को दिखता है, मम्मी मेरे को चक्कर आ रहा, टेबल पर मिलती तो टेबल पर भी बिठा नहीं देती, नर्स उठी कर देती थी, कहीं नीचे बैठो, नीचे दर्द लो, पंखा चलता तो पंखा को बंद करवा दे, नीचे सो देते तो नीचे भी नहीं सोने के देते, अंदर जाते तो भगा देते नहीं। पाटीदार रिश्ता परिवार अच्छा नहीं है, कहीं साली नींद खराब करते हैं, कहीं की हमको ऐसे बोलते थे। और हमारी बहू को बहुत तकलीफ हो रही थी, तो उसको बहुत चिल्ला चिल्ला के दर्द लो, और 5-6 इंजेक्शन लगा दिए दर्द के, फिर भी उसको दर्द आ रहे थे, बोल क्या करें, दर्द लेती, हमने बोला सीजर करवा दो। सीजर करवाने हम 2 बजे गए तो हमको मना बोल दिया, कहीं नहीं हो जाएगा ना, फिर 6 बजे क्यों सीजर करवाया, कहीं गंदा पानी घुस गया 2 घंटे में। हमारी बहू को कितनी तकलीफ, हमारा बच्चा खुट गया, हमारे बच्चा निकल गया, हमारा मौत हो गई, बच्चे की मौत, अपनी गुड़िया की मौत हो गई। क्या पैसों की मांग करते हैं? पैसों क्या, हमने ऐसे तो नहीं मांग की, पर हमने जो शाम को जिसकी जिसकी डिलीवरी हुई, हमने देखा भाई क्या क्या यहाँ चल रहा है, रात भर हम परेशान हो गए, जब 9 बजे के आ रहे थे तो 6 बजे तक हमारा कुछ नहीं किया, हम परेशान हो गए, 4 बजे हम 4-6 जन परेशान हुए। क्या 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 चाहते हैं आप लोग, अब क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, मतलब काम हो तो पूरा हो, ऑब्जेक्शन नहीं, सरकारी दवाखाना बंद करो और प्राइवेट में इलाज कराओ, सरकारी दवा बंद, क्या इलाज। बड़ोले सर ऐसे बोल रहे थे, मैं नहीं आऊँ कहीं, मैं 2-2 रात तक जब वो जिसकी ड्यूटी करी, बोले सर आप भगवान है, आप जिसको जितनी फीस आई उतनी देंगे, तो आप आ जाओ, नहीं बोले मैं नहीं आता हूँ। तो क्या ये घर पे बताते तो पैसे भी लेते हैं? घर पे हमको बता दे सर, यहाँ हमने जो शाम को देखा था, शाम को हमने 9 बजे से शाम तक रात भर हम जगे, खड़े पाँव रहे, हमारे बच्चे हमारी बहू भी खड़ी पाँव रही, बहुत दर्द, मतलब इलाज नहीं हुआ, लापरवाही हुई। हमने बोला कि उसका सीजर करवा दो, सीजर नहीं किया, बस उनकी एक गलती हमारे से सीजर में का, हमारी बच्ची भी फूट गई और हमारी बहू भी बहुत परेशान हुआ, उसको देख लो वहाँ इसी तड़प रही हुआ। क्या नाम है आपका? सीमा रामदास पाटीदार घोटिया। क्या आपकी बहू का क्या नाम था? सावन पूजा। पूजा।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।